ऑलराइट फीडबैक फैमिली, सो आर्मोर्ड म्यूटू कब रिटर्न होगा पोकेमॉन गो के अंदर, ये जो बात है आप कमेंट्स में भी पूछते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं लाइव भी आता हूँ तब भी आप ये बात पूछते हैं कि आर्मोर्ड म्यूटू ब्रो कब आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी डिमांड भी एंड ऑल्सो यहाँ पर अच्छा भी लगता है, लाइक डिफरेंट लगता है पोकेमॉन, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर एक्साइटेड हैं अगर ये रेट्स में आता है, नियंटिक में भी शायद यहाँ पर हमें दे भी सकता है। दो रीजन है यहाँ पर जिसके थ्रू मैं बोलूंगा इसको कि आ भी सकता है एंड ऑल्सो यहाँ पर नहीं भी आ सकता है। लास्ट टाइम जब हमें यहाँ पर आर्मोर्ड म्यूटू पोकेमॉन गो के अंदर देखने को मिला था तो वो डेट थी फेब 25 टू मार्च 2, 2020 में देखने को मिला था लास्ट टाइम। एंड म्यूटू एंड आर्मोर्ड म्यूटू के बीच की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लुक्स वाइज दोनों अलग लगते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर जो इनकी पावर है वो भी अलग है। लाइक म्यूटू यहाँ पर आपके लिए अटैक उसका ज़्यादा यूजफुल एंड ज़्यादा यहाँ पर अटैक ज़्यादा अच्छा है एंड ऑल्सो यहाँ पर डिफेंस उसका थोड़ा कम है। सेम यहाँ पर उल्टी बात हो जाती है आर्मोर्ड म्यूटू के लिए कि उसका डिफेंस ज़्यादा अच्छा है, अटैक कम है, ये डिफरेंस है इनके बीच में। एंड म्यूटू बहुत बार रेट्स में अवेलेबल हो चुका है एंड ऑल्सो शाइनी भी बहुत बार रेट्स में आ चुका है तो हमने बहुत इजीली उसे गेट भी कर रखा है, शाइनी भी बहुत सारे लोगों के पास में होगा। लेकिन आर्मोर्ड म्यूटू ना तो शाइनी रिलीज करा है पोकेमॉन गो ने, ना तो ज्यादा बार उसे रेट्स में दिया भी है। आर्मोर्ड म्यूटू को हम नॉर्मल रेट्स एंड नॉर्मल लेजेंडरी में काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई पोकेमॉन गो इसे यहाँ पर थोड़ा सा कम रेट्स में भी देता है एंड थोड़ा स्पेशल चाहता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल हो पोकेमॉन गो के अंदर, देन फिर यहाँ पर आर्मोर्ड म्यूटू मिले। लाइक कुछ अलग चीज हो, कुछ यहाँ पर बहुत यहाँ पर हाइप वाली चीज हो पोकेमॉन गो के अंदर तो यहाँ पर आर्मोर्ड म्यूटू मिले। देन सेम चीज यहाँ पर शाइनी के साथ भी वो कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है, बहुत अच्छा इवेंट कोई देना चाहता है पोकेमॉन गो, देन फिर वहां पर हमें आर्मोर्ड म्यूटू भी मिल सकता है रेट्स में। और जो यहाँ पर पेड इवेंट्स होते हैं पोकेमॉन गो के अंदर जहां पर आपको टिकट्स बाय करनी होती है, लाइक वहां पर भी शाइनी आर्मोर्ड म्यूटू रिलीज कर सकता है, एक ये रीजन हो सकता है। एंड सेकंड यहाँ पर मैं बोलूँ डिमांड बहुत है, बहुत सारे यहाँ पर ट्रेनर्स डिमांड करते हैं आर्मोर्ड म्यूटू की रेट्स हो, एलिजिबल हो वो रेट्स में, सो इस वजह से मुझे लगता है मे बी शायद 2022 में पोकेमॉन गो यहाँ पर रिलीज कर सके आर्मोर्ड म्यूटू। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि नियंटिक के पास बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन है, दो चीज़ें करता है नियंटिक, या तो यहाँ पर पुराने जो लेजेंडरी पोकेमॉन है जो रेट्स में आ चुके हैं वो यहाँ पर रेट्स में अगेन आए, या फिर यहाँ पर जो नए लेजेंडरी पोकेमॉन है वो इंट्रोड्यूस करे पोकेमॉन गो के अंदर। और इतने भी ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है नियंटिक के पास में जो वो बैक टू बैक देते रहेंगे, दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इन 2022 पोकेमॉन गो के अंदर आर्मोर्ड म्यूटू आना चाहिए। एंड अगर वो आता है तो मे भी शायद हो सकता है वो शाइनी भी आए, लाइक या फिर कहूँ तो कुछ स्पेशल इवेंट में, कुछ रिसर्च में, लाइक ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। सो ये कुछ चीज़ें थी मेरी तरफ से। एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि नियंटिक की सबसे अच्छी बात यही है कि कोई भी पोकेमॉन होता है, कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज़ होती है, वो हमेशा यहाँ पर चाहते हैं कि सभी ट्रेनर्स को मिले, भले ही वो बार बार रीड्स में दें, भले ही वो बार बार वाइल्ड में दें, जो भी चीज़ें हैं, लाइक वो स्पेशल पोकेमॉन हो सकता है, लाइक वो मिथिकल पोकेमॉन हो सकता है, लेजेंडरी पोकेमॉन हो सकता है, मेगा पोकेमॉन्स होते हैं, नियंटिक चाहता है कि सभी ट्रेनर्स के पास में वो चीज़ें हों। तो सेम चीज़ यहाँ पर आर्मोर्ड म्यूटू पर भी होती है कि हाँ नियंटिक ये भी चाहेगा कि नहीं सब ट्रेनर्स के पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ ही ट्रेनर्स के पास यहाँ पर आर्मोर्ड म्यूटू हो। एंड दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि 2022 में आर्मोर्ड म्यूटू आ सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये था इस वीडियो में, आई होप आपने इन्जॉय करी होगी, आप अच्छी लगी होगी मैं आपका वीबैक, आपको मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वीबैक फैमिली को वीबैक की तरफ से